हेलो ट्रेडर्स, रोज निफ्टी एनालिसिस देखने के लिए ट्रेडिंग फैब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन अगले वीडियो की मिल जाए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज 5 जुलाई है, थर्सडे है। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है और हफ्ते का सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। तो निफ्टी एनालिसिस शुरू करने से पहले कल के एनालिसिस का क्विकली एक रिव्यू करते हैं। 4 जुलाई, कल 4 जुलाई था, मार्केट आवर्स खत्म होने के बाद यह लिया हुआ एक पिक्चर है। तो कल के इंट्राडे स्ट्रेटजी के हिसाब से हमने 10,736 का लेवल, ब्रेकआउट लेवल मार्क किया था और इसके ऊपर अगर निफ्टी मूव करता है, 5 मिनट के चार्ट में सस्टेन करता है तो बाय पोजीशन बनाने के लिए कहा था। और फर्स्ट टारगेट था 10,764, जो कि ब्रेकआउट लेवल ब्रेक करने के बाद अचीव हो चुका था कल। तो कल के ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से इंट्राडे ट्रेडिंग का मौका था 28 पॉइंट्स का और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते थे तो 21,000 का प्रॉफिट बन सकता था। तो ये कल के इंट्राडे स्ट्रेटजी का एक छोटा सा क्विकली रिव्यू था। तो सबसे पहले आज ग्लोबल मार्केट के हालात पर एक नज़र डालते हैं। कल हमने देखा डाउ जोन्स और नासडैक लाल निशान में बंद हुए, कमजोरी अभी भी बरकरार है वहां पर। कल जब यूरोपियन मार्केट भी कुछ खास कर नहीं पाए, हल्की सी बढ़त देखने को मिली, और जब आज एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो हल्का सा दबाव देखने को मिल रहा है और SGX निफ्टी भी हाँ मामूली सी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर इंट्राडे स्ट्रेटेजी के लिए। वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। वीकली चार्ट में हमने फिर से एक बार देखा कि 20 EMA का सपोर्ट यहाँ पर टेस्ट हो चुका है और निफ्टी फिर से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। कल एक जबरदस्त मूव आ गया था निफ्टी में, 10,600 का लेवल एज अ सपोर्ट टेस्ट हुआ, जहाँ पर 20 EMA है, ये पिंक लाइन है वो 20 EMA है। लेकिन आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक का जो हाई है वो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ, जो कि 10,830 के पास है। तो लास्ट वीक का हाई अभी भी ब्रेक नहीं हुआ, हायर हाई अभी भी नहीं बना हुआ है। तो किसी को ओवरनाइट लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो 10,830 जैसे ही ब्रेक होता है, उसके ऊपर सस्टेन होता है तो लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो वीकली चार्ट में स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है और लेकिन प्राइस एक्शन है वो साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है। तो यह था वीकली चार्ट का सिनारियो। डेली चार्ट में चलते हैं। यह है डेली चार्ट। डेली चार्ट में अगर आप लास्ट 2-3 ईयर्स का अगर सिनारियो देखें, अगर चार्ट पैटर्न देखें, तो यहाँ पर जो अप ट्रेंड का जो मोमेंट था, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये जो अप ट्रेंड का यहाँ पर एक मोमेंट है उसका अगर आप एंगल देखें तो वो चेंज हो चुका है। ये है अप ट्रेंड का एंगल, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। एंगल है वो स्लाइटली चेंज हो रहा है। ये एंगल आप देख सकते हैं, ये वाला एंगल आप देख सकते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ से ऊपर की तरफ निफ्टी ने मूव किया था। और जैसे ही जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में आने के बाद जो स्ट्रेंथ थी मार्केट के ऊपर जाने में, नॉर्थ साइड में मूव होने की, वो अभी धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे कि 2019 के अभी इलेक्शंस आ रहे हैं तो मार्केट में थोड़े ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स कंफ्यूज है क्योंकि बीजेपी को बहुमत मिलेगा या नहीं। और जैसे कि बजट के दिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसके मद्देनजर और ट्रेड वॉर, जो ग्लोबल मार्केट के हालात बने हुए हैं, उससे भी थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से ये स्ट्रेट डाउनफॉल आया था, ये स्ट्रेट, माफ कीजिए, अगर ये आप डाउनफॉल देखें, ये वाला डाउनफॉल और ये डाउनफॉल, इसका एंगल भी चेंज हुआ है। यहाँ पर मार्केट जो करेक्शन दिखाया था इसका एंगल थोड़ा वाइडन था और इसका एंगल काफ़ी स्ट्रेट था। एक्चुअली 75 डिग्री में ये फॉल आया था और उसके बाद में मार्केट यहाँ पर साइडवेज ट्रेड करने लग गया। तो अभी 6 महीने, 2018 के 6 महीने हो चुके हैं, मार्केट साइडवेज पैटर्न में ट्रेंड कर रहा है। अगर निफ्टी को यहाँ से अगर जबरदस्त ट्रेंड ऊपर की तरफ दिखानी है तो उसको लास्ट हाई ब्रेक करना बहुत जरूरी है, जो कि लास्ट हाई बनाया था निफ्टी ने यहाँ पर करीब 11,000 के पास, 11,000 के पास। और नीचे की तरफ अगर मूव होना है तो ये लो
10,300-200 का जो लो बनाया था वो ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो हमें एक डाउन ट्रेंड टूवर्ड्स साउथ दिख सकती है और ऊपर में ये 11,000 का लेवल 11,000 का वो ब्रेक करना जरूरी है। अभी 6 महीने हो चुके हैं 2018 को और मार्केट साइडवेज ट्रेंड में ट्रेंड हो रहा है और RSI सपोर्टिव इंडिकेटर RSI भी देखे तो यहाँ पर लोअर हाई बना रहा है जो कि हमें बुल्स और बियर का ट्रेंड दिखाता है। यहाँ पर ये है तो यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, जैसे ही ये ब्रेक होगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मार्केट वैसे ही हमें ट्रेंड दिखाएगा। तो ये डेली चार्ट का सिनारियो है अब तक का जो आप लास्ट 3-4 ईयर्स का देख सकते हैं। और कल निफ्टी 20 EMA ये 20 EMA के ऊपर क्लोज हुआ है तो नेक्स्ट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 10,785 का एक रेजिस्टेंस है, बाद में अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो 10,820 का रेजिस्टेंस है। तो ऊपर की तरफ अगर निफ्टी आज भी मूव करता है तो ये दो रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं। स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है 20,50-100 और उसके ऊपर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है तो स्ट्रक्चर अभी बुलिश है। 20 EMA मूविंग एवरेजेस के ऑल मूविंग एवरेजेस के ऊपर निफ्टी इंडेक्स एज पर डेली चार्ट ट्रेड कर रहा है। तो क्विकली इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाते हैं आज के लिए। सो अगर निफ्टी कल का ये हाई ब्रेक करता है, निफ्टी कल का यह हाई ब्रेक कर देता है जो कि 10,776, यहाँ पर निफ्टी अगर हाई ब्रेक करता है 5 मिनट के चार्ट में सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 10,805 जो कि R1 आज का पिवट पॉइंट का रेजिस्टेंस 1 का लेवल है। अगर निफ्टी कल के हाई के ऊपर 5 मिनट के चार्ट में सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 10,805 और नेक्स्ट टारगेट होगा 10,830 जो कि वीकली चार्ट के हिसाब से लास्ट हाई बना था, लास्ट 3-4 सेशंस का हाई। सो अगर निफ्टी निफ्टी अगर ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ ट्रेंड करता है तो 10,776 का लेवल ब्रेक होने दीजिए फिर बाय पोजीशन बनाइए और अगर नीचे की तरफ मूव करता है तो 100 EMA का सपोर्ट लेवल है, उसके बाद में 50-20 का भी सपोर्ट लेवल है तो यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं। तो आज अगर निफ्टी नीचे की तरफ मूव करता है तो एग्जैक्ट कहाँ से बाउंस बैक भी हो सकता है ये कहना मुश्किल है। तो फिलहाल अगर निफ्टी साउथ की तरफ भी मूव करता है तो ट्रेड पोजिशन ना बनाए, ठीक है। तो यह थी इंट्राडे स्ट्रैटेजी। ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिए ताकि जैसे ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तो आपको उसकी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।